ओके देखो, हम लोगों ने जो रिकॉन्सिलिएशन लास्ट दिन किया था उसका आज कंटिन्यूएशन करेंगे। हम लोगों ने अप टू फोर्थ तक किया था। अब देखो हम लोगों ने क्या क्या सीख के रखा था इसमें। जो आइडिया हम लोग को चाहिए इस चैप्टर के लिए, देखो स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, डिटेक्शन ऑफ एरर क्या क्या था, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर होगा, सस्पेंस अकाउंट हम लोग यूज नहीं कर सकते, एक बार रिकॉल करवा रहे जस्ट, और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ अगर फाइनल अकाउंट्स है देन सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट अगर ऐसा होता है देन वी कैन यूज सस्पेंस अकाउंट, ये एक स्टेप। दूसरा, ऑल नॉमिनल अकाउंट इज रिप्लेस्ड बाई पीएल एडजस्टमेंट, जिसमें से ये दो टॉपिक हम लोगों का ऑलरेडी कवर्ड है। अब आज हम लोग जो नया इसमें एडिशन होगा हमारा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, वो हम लोग सीखेंगे। बाकी हमारा जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो ए और बी पॉइंट को रिलेटेड करते हुए ही था। होप कि तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, फिर भी हम करवा देते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 5 जो दिया है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फ्रॉड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वॉज आउट, मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुका है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है। ट्रायल बैलेंस भी कितना दिख रहा है, एक्सेस दिख रहा है क्रेडिट साइड में। हाउ मच? 493। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट बोथ साइड होता है, तो क्रेडिट साइड एक्स्ट्रा 493 दिख रहा है। द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट, और इसे एज सस्पेंस अकाउंट लिख के इन लोगों ने क्लोज कर दिया। मीन्स ये ट्रायल बैलेंस ये ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, ये सपोज पर्टिकुलर और एक कॉलम ज्यादा कर दिया था मैंने, ये साइड डेबिट साइड मान लो, ये क्रेडिट। ठीक है, ये डेबिट इधर ही लिखा जाता है, ये क्रेडिट साइड हो गया। पर्टिकुलर तो बोल रहे सस्पेंस जो है, सस्पेंस लिख के हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया है, बिकॉज जो हमारा ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड है वो 493 से क्या दिख रहा है, एक्सेस दिख रहा है। ठीक है, 493 से एक्सेस दिख रहा है, एक्सेस दिख रहा है। द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट, और इसे सस्पेंस अकाउंट लिख के ट्रायल बैलेंस को क्लोज कर दिया गया है। एन अमाउंट ऑफ 100 वाज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर डी दास ऑन 31 दिसंबर 2015, ओमिटेड टू एंटर इन द कैश। तो ट्रायल बैलेंस अगर बन चुका है देन विच प्रोसीड्योर वी विल फॉलो। देखो ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो वी कैन यूज सस्पेंस अकाउंट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अब जब कुछ बोला नहीं है तो फाइनल अकाउंट्स नहीं बना है ना, उसके बाद ही यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो दिस इज इलास्ट्रेशन 5, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो एन अमाउंट ऑफ 100 वाज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर डी दास 31 दिसंबर, बट ऑमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। तो हमें करने का जो सिस्टम था वो क्या था, हम लोग यहाँ पर तीन कॉलम यूज करेंगे। एक तो फॉर करेक्ट एंट्री जो होना चाहिए था, एक तो रॉन्ग यानी जो हुआ है। ठीक है, ये होना चाहिए था, ये हुआ है, अब जो हुआ सो हुआ, अब इसे रेक्टिफाई करो, रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, और बार बार हम बता रहे हैं ये पोर्शन तुम्हारा आंसर होगा, ये सब रफ होना चाहिए। ठीक है, तो 100 रिसीव किया हम लोगों ने, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, 100 अगर मिस्टर डी दास से रिसीव किया है तो कैश टू डी दास। ठीक है, 100 100 ये अकाउंट डेबिट। ठीक है, गलती क्या हुआ है, हम लोगों ने पोस्ट ही नहीं किया है उसे ना, ऐसा कुछ गलती हुआ है। हाँ, ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं किया है। रॉन्ग क्या हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने इफेक्ट जीरो दिखाया है, तो फिर यहाँ पर रेक्टिफाई क्या करेंगे, एंट्री पास करवा देंगे।
एंट्री पास करवा देंगे, और यहाँ नो नीड ऑफ सस्पेंस। अगर सस्पेंस जरूरत होगा तभी ना हम लोग सस्पेंस लिखेंगे। सस्पेंस कब लिखते हैं? जब हमारा वन साइडेड एरर होता है, जब मान लो मुझे डेबिट या क्रेडिट में से कुछ एक मिसिंग मिल रहा है, देन वी नीड टू यूज सस्पेंस। आफ्टर दैट द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक्स फॉर डिसम्बर हैज बीन कास्ट 100 शॉर्ट, अंडर कास्ट, 100 रुपये कम दिखा है। रिटर्न इनवर्ड मतलब रिटर्न इनवर्ड का एंट्री हम लोगों ने 100 रुपये से कम दिखा है, ये बोला जा रहा है। तो देखो एंट्री कम नहीं, एक्चुअली अंडरकास्ट है ना, मतलब कैलकुलेशन करते हुए 100 का कम हो रहा है जो टोटल। तो टोटल रिटर्न जो डे बुक्स होते हैं ना, उसमें टोटल जो है वो 100 रुपीज शॉर्ट दिख रहा है। तो रिटर्न इनवर्ड क्या करना पड़ेगा? रिटर्न इनवर्ड यानी क्या होता है? सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट हमें करना चाहिए फिर 100, ठीक है। और हम लोगों ने रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, ये हमारा नील है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। देन हमें क्या करना है? देन हमें रिटर्न इनवर्ट का एंट्री जो है वो पास करवाना है। रिटर्न इनवर्ट अकाउंट डेबिट 100, लेकिन अब कुछ तो हमें क्रेडिट करना चाहिए, तो क्रेडिट का कुछ नहीं जब मिलेगा, दैट इज वन साइडेड एरर, देन वी यूज सस्पेंस अकाउंट। आई होप तुम लोग याद कर रहे होगे जो भी मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था तुम लोग को ये सब। नेक्स्ट देखो क्या है, परचेज ऑफिस यूज का एक टेबल है, 300 रुपए का पास्ड थ्रू परचेज डे बुक। अब एसेट खरीदे हैं तो एंट्री क्या होना चाहिए था? एंट्री होना चाहिए था ऑफिस टेबल, ठीक है, ऑफिस टेबल लिख देते हैं, टू कैश खरीदा है, हम लोगों ने कैश देके 300 का। अब ये परचेज डे बुक के थ्रू चला गया तो परचेज हो गया होगा गुड्स के तरह, क्योंकि परचेज डे बुक में ओनली मर्चेंडाइज गुड्स आते हैं, ठीक है, मर्चेंडाइज गुड्स आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया तो इसे रेक्टिफाई करना है। तो देखो कैसे रेक्टिफाई करें, प्रॉब्लम क्या है? टू कैश ये सही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, टू कैश होना चाहिए, टू कैश हुआ है। रॉन्ग ये है, परचेस का कोई काम नहीं था बट हम लोगों ने परचेस को कर दिया है डेबिट, तो परचेस 300, ऑफिस टेबल को कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ क्योंकि हमें डेबिट क्रेडिट दोनों ही मिल जा रहा है, देन हमें कोई भी जरूरत नहीं है कि हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज करें, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, 375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। शो केस तो एसेट होता है ना, शो केस बना रहे सपोज शॉप के लिए और उसमें वेजेस पे हुआ है, जो कि हमारे शो केस के दाम के साथ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, हमारा फिक्स्ड एसेट के वैल्यू को बढ़ाता है। फिक्स्ड एसेट को पुट टू यूज के पहले जितना भी एक्सपेंस लगता है, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो रहा है ना, बना रहा है वो, तो ये उसके दाम के साथ ऐड होना चाहिए था जो हम लोगों ने नहीं किया है। तो हमारा एंट्री होना चाहिए था शोकेस अकाउंट डेबिट, शोकेस अकाउंट डेबिट, टू होना चाहिए था कैश, ठीक है, टू होना चाहिए था कैश, दैट इज 375 एंड 375, बट हम लोगों ने कर दिया इसे वेजेस को डेबिट कर दिया। वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश हो गया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 375। तो अब इसे करना क्या है? वेजेस को हटा दो, वेजेस का कोई नीड ही नहीं था, वेजेस हम लोगों ने कर दिया है बाय मिस्टेक 375। अब जैसे अकाउंट्स में क्या होता है, दिस इज डेबिट तो कैंसिल करना है, क्रेडिट करो, और लाना किसे है? शोकेस अकाउंट को डेबिट करना है, शोकेस अकाउंट को डेबिट में लाना है। तो यहाँ भी सस्पेंस का कोई भी जरूरत नहीं आया। अच्छा, ये ऑफिस टेबल 300 था और ये मैंने अमाउंट सही लिखा, हाँ सही, ओके। नेक्स्ट देखो, ए परचेज ऑफ 67, कुछ परचेज हुआ है 67 का, हैज बीन पोस्टेड टू ट्रेड पेबल एज 60। तो परचेज 67 का हुआ है, ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर में हम लोगों ने 60 कर दिया। तो देखो करेक्ट, ये पहले कर लेना चाहिए तो हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा वो बिल्कुल सही होगा। नाउ हम लोगों ने क्या किया है, करेक्ट एंट्री हमारा होना चाहिए था परचेज टू ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर, मैंने मतलब क्रेडिट परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर, ठीक है, ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर। अब गलती हुआ क्या, देखो
हम लोगों ने वो क्या कर दिया, ट्रेड पेबल में 60 किया है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल में 60 किया है। लैंग्वेज देख के हमें समझना है, तो परचेज टू ट्रेड पेबल 67, ये हो गया है 60। देन हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इसको टू ट्रेड पेबल बोल के और 7 रुपीज से इंक्रीज कर देना चाहिए, बट परचेज तो सही है। देन वी यूज सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट हम लोग कितना लिख देंगे, 7 रुपीज से डेबिट कर देंगे, ठीक है। वन साइडेड एरर आ गया ना, ए चेक फॉर 200 रिसीव्ड फ्रॉम पीसी जोशी हैड बीन डिसऑनर्ड एंड वाज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। चेक डिसऑनर हुआ है, तो चेक डिसऑनर का एंट्री हम लोगों ने कैश बुक जब किया था तब हम लोगों ने किया था। तो देखो कैश बुक में हम लोगों ने सीखा था ना कैसे करना चाहिए। तो चेक डिसऑनर होने से क्या होता है, पार्टी को फिर से डेबिट करेगा। चेक डिसऑनर का मतलब जिसे पैसा मिलने वाला था उसे पैसा नहीं मिला, तो जब चेक मिल गया था तो उसे हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, फिर उसका नाम जो है रेज करना पड़ेगा। तो पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक टू बैंक, रिवर्स एंट्री हो जाएगा, जो बैंक टू पीसी जोशी था उसका पीसी जोशी टू बैंक हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, डेबिट कर दिया है अलावेंस अकाउंट में, सिर्फ डेबिट का जो है वो हम लोगों ने रॉन्ग किया है। तो अलावेंस टू बैंक 200, 200 तो बैंक सही है, अलावेंस का कोई काम नहीं था, अलावेंस को हटाओ, अलावेंस को हटा दो। पीसी जोशी को हम लोगों ने डेबिट नहीं किया, तो पीसी जोशी को अब हम लोग कर देंगे डेबिट 200 से। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है 1000 पेड फॉर परचेज ऑफ ए मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। 1000 पे किया है एक मोटरसाइकिल परचेज की वजह से, ठीक है। और मिस्टर दत्त कौन है, ये देखो ये है ओनर, ठीक है। ये है इस मतलब जिसका हम लोग उस अकाउंट बना रहे हैं, उस बिजनेसमैन का, बिजनेसमैन जो है उसका नाम है मिस्टर दत्त, यानी जो सोल प्रोपराइटर है उसका नाम ही है मिस्टर दत्त। तो मिस्टर दत्त अपने लिए अगर कोई भी साइकिल खरीदेगा देन उसका एंट्री ड्रॉइंग्स हो जाएगा, पर्सनल यूज है तो एंट्री होना चाहिए ड्रॉइंग्स। साइकिल खरीदा है कुछ ऐसे ही था, हाँ साइकिल, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कितना, 1000, 1000 दिस शुड बी द एंट्री, 1000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल। अच्छा मोटरसाइकिल था क्या, ठीक है कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल। और उसके बाद इसे चार्ज कर दिया हम लोगों ने मिसलेनियस अकाउंट में, ठीक है। हम लोगों ने इसे चार्ज कर दिया मिसलेनियस अकाउंट का खर्चा दिखा दिया, तो मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश 1000, 1000 टू कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। प्रॉब्लम ये हो गया, हम लोगों ने पर्सनल ड्रॉइंग्स को बिजनेस एक्सपेंस के साथ एक जैसा कर दिया। वैसे मोटरसाइकिल खरीदने से मिसलेनियस एक्सपेंस तो नहीं होता, अगर ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता तो फिर ये मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट होता, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस है तो ड्रॉइंग्स को डेबिट करना है, तो ड्रॉइंग्स को कर देते हैं डेबिट। ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए था, मिसलेनियस एक्सपेंस बोल के कुछ नहीं आना चाहिए, तो मिसलेनियस एक्सपेंस को कर देते हैं क्रेडिट, कैंसिलेशन हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट बोला है गुड्स अमाउंटिंग 100 हैड बीन रिटर्न बाय कस्टमर एंड वेयर टेकन टू इट्स इन्वेंट्री बट नो एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर वाज मेड इन टू द बुक्स, यानी ऑमिशन है। तो मुझे रिटर्न आया है, तो रिटर्न आ गया तो मेरा वो स्टॉक बन गया है, तो मेरा एंट्री क्या होना चाहिए, पहले रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न टू कस्टमर या फिर डेटर लिख दो, नाम तो नहीं दिया है तो टू कस्टमर या डेटर लिख सकते, बट नो एंट्री पास, देन एंट्री पास कर देंगे सेल्स टू डेटर या फिर कस्टमर भी लिख सकते हो, 100 एंड 100। और लास्ट सेल ऑफ 200 टू सीन एंड कंपनी वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू दियर अकाउंट। एक सेल हुआ है सिंह एंड कंपनी को, उनके अकाउंट में गलत से क्रेडिट हो गया है। एंट्री वाज मेड करेक्टली मेड इन सेल्स बुक, लेकिन सेल्स बुक में करेक्ट एंट्री हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो सेल्स बुक में करेक्ट हुआ है बट सिंह एंड कंपनी वाज रॉन्गली क्रेडिटेड हो गया है, तो सही क्या होना चाहिए, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं सिंह एंड कंपनी, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट
कितने का है, 200 का सेल किया हम लोगों ने, तो सिंग एंड कंपनी टू सेल्स, सिंग एंड कंपनी टू सेल्स, बट क्या हुआ है, सिंग एंड कंपनी रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, उन्हें डेबिट करना चाहिए था, उनको हम लोगों ने क्रेडिट किया, तो टू सिंग एंड कंपनी 200 से क्रेडिट किया है। आगे क्या बोल रहा है, एंट्री वॉज मेड करेक्टली मेड इन सेल्स बुक, बट सेल्स बुक में सही किया, सेल्स बुक में क्या एंट्री होता है, सेल्स बुक में डेटर का नाम रिकॉर्ड होता है, तो टू सेल्स हुआ है, सेल्स बुक में टू सेल्स हुआ है, तो प्रॉब्लम ये जनरेट हुआ है। ठीक है, हमें पढ़ना है लाइन बाय लाइन, और जैसे बोल रहा है उसी हिसाब से हमें प्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा कि क्या गलत है क्या सही है। देन सिंग एंड कंपनी डेबिट होना चाहिए और सिंग एंड कंपनी क्रेडिट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग एक एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलेंगे। पहले देखो, टू सेल्स होना चाहिए, टू सेल्स हुआ है, नो प्रॉब्लम। यहाँ सिंग एंड कंपनी डेबिट होना चाहिए, तो चलो पहले सिंग एंड कंपनी को डेबिट कर देते हैं 200 से। ठीक है, तो अब टू सिंग एंड कंपनी हुआ है तो इसे कैंसिल करेंगे, तो फिर से लिखना पड़ेगा सिंग एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 200। तो फिर क्रेडिट किसे करें, क्रेडिट तो सही था टू सस्पेंस, कितने से, 400 से। ठीक है, 400 से सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। अब यहाँ पर बोला था कि द बैलेंस विल ट्रायल बैलेंस एक्सेस क्रेडिटेड, द डिफरेंस हैज दस पोस्टेड टू ए सस्पेंस अकाउंट, उसके बाद ये बात। अब देखो, अब अगर हम लोग इसे ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्यों क्रिएट हुआ था हम लोग देखते हैं। देखो, सस्पेंस जहाँ जहाँ आ रहा है हमें वहाँ वहाँ फॉलो करना है। एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ हमारा सस्पेंस अकाउंट आया हुआ है। ये रहा फर्स्ट एंट्री में हमें सस्पेंस अकाउंट मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, दिस वन। ठीक है, यहाँ पर दिस वन टू सस्पेंस 100, तो बाय रिटर्न इनवर्ट सस्पेंस अकाउंट में बाय रिटर्न इनवर्ट। ठीक है, फर्स्ट हमें मिल गया सस्पेंस अकाउंट में बाय रिटर्न इनवर्ट, बाय रिटर्न इनवर्ट रुपीज 100। ठीक है, रुपीज 100। नेक्स्ट देखते हैं क्या मिलता है हमें सस्पेंस अकाउंट में। नेक्स्ट ये रहा है, एक हमें मिल गया, ये रहा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7 रुपीज का टू ट्रेड पेबल। तो टू ट्रेड पेबल 7 लिखेंगे, टू ट्रेड पेबल 7, और ये लास्ट में एक मिल रहा है, तो टू ट्रेड पेबल 7 पहले लिख लेते हैं, टू ट्रेड पेबल 7। ठीक है, टू ट्रेड पेबल 7, एंड एट लास्ट यहाँ पर देखो क्या मिला है, टू सस्पेंस 400, तो बाय सिंग एंड कंपनी 400, बाय सिंग एंड कंपनी 400, बाय सिंग एंड कंपनी 400। ये हो गया 500, ये हो गया 500, और यहाँ पर देखो बैलेंस वही आ जाएगा 493। इसे क्या लिखेंगे हम लोग, ये कैसे आया, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस था, हालांकि ये दिया हुआ था। तो देखो, अगर हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे तो फोर, देखो बात क्या हुआ यहाँ पर एक बार समझ लेते, 493 ये हमारा एक्सेस शो हो रहा था क्रेडिट साइड इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अगर हम लोग इसे रेक्टिफाई कर लेते, मतलब इसमें जो मॉडिफिकेशन करना है, दैट इज कुछ प्लस होना है कुछ माइनस होना है, ये अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते थ्रू रेक्टिफाइड एंट्री, तो जब हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे वो नील हो जाएगा, नील हो जाएगा, क्योंकि देखो सस्पेंस अकाउंट में एक्चुअली 493 में ऐड कितना हो गया 7, उसमें से लेस कितना हो गया 100, फिर लेस कितना हो गया 400। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है, देखो 400 और 100, 500 ये नेगेटिव है प्लस 7, यानी 493 नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्योंकि क्रेडिट है, तो फिर क्या हो जाएगा ओवरऑल,
सस्पेंस जो है इस तरह से जो है कि कैंसिलेशन हो जाता है कि सस्पेंस किस लिए क्रिएट हुआ, तो हमने कुछ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स गलत किए थे, दैट्स व्हाई सस्पेंस क्रिएट हुआ। और देखो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट जो है हमारा टैली हो जाएगा, यानी हमारा जो रेक्टिफिकेशन हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। नेक्स्ट है इलास्ट्रेशन सिक्स। नेक्स्ट है इलास्ट्रेशन सिक्स। इलास्ट्रेशन सिक्स में क्या बोला है, द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द अकाउंटिंग फॉर द ईयर 2015 वेयर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स दिल्ली। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, रिसिप्ट अच्छा इस तरह से दिया हुआ है, बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री एंड शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्ट बाई द एरर्स। किस तरह से ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारा अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग कर लेते हैं, और एक चीज हम लोग एक फंडा याद रखेंगे, अगर वन साइडेड एरर है, ठीक है, वन साइडेड एरर है देन ट्रायल बैलेंस हमारा क्या होगा, इफेक्ट होगा। ये मैंने लास्ट दिन में तुम लोग को बताया भी था, देखो मुझे अभी तक लास्ट दिन के स्लाइड में ये देखो दिख रहा है, अगर वन साइडेड एरर होगा तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा, ये मैंने बताया था ताकि तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ओके, तो इलास्ट्रेशन अब हम लोग करेंगे सिक्स। इलास्ट्रेशन सिक्स में पहला क्वेश्चन है, हम लोग कॉलम बना लेते हैं करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाई। तो देखो अगर हमें कुछ नहीं बोला है कि एरर हमें कब मिला है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एंट्रीज एंड अच्छा ट्रायल बैलेंस कैसे अफेक्टेड हो रहा है पूछ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट हमें दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमारा कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो वो पॉइंट तो नहीं हो रहा है क्योंकि बोल रहा है ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट दिखा दो, यानी ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ नहीं हो रहा है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो रहा है, बट फाइनल अकाउंट्स जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो हम लोग नहीं मान रहे कि ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि अब सॉरी फाइनल अकाउंट्स बना हुआ है क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही तो करेक्ट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ करेक्ट करने बोल दिया है पहले, यानी फाइनल अकाउंट्स गलत ट्रायल बैलेंस से नहीं बना हुआ है, ठीक है, यानी फाइनल अकाउंट्स गलत ट्रायल बैलेंस से नहीं बना हुआ है। तो हम लोग कौन सा वाला पॉइंट लेंगे, वो सस्पेंस अकाउंट यूज करके। तो देखो फर्स्ट क्या बोला है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, तो सेल हुआ है तो सेल का एंट्री क्या होता है, सेल का एंट्री होता है बैंक या कैश लिख लो, ठीक है, टू फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर हम लोगों ने सेल कर दिया, 150 150, गलती क्या हो गया, हम लोगों ने इसे दिखा दिया है नॉर्मल सेल, ठीक है, तो बैंक तो डेबिट किया है बट इसे सेल्स दिखा दिया है, मतलब फिक्स्ड एसेट सेल नहीं दिखा है। तो जो मॉडर्न अप्रोच है ना उससे जिन लोगों ने करके रखा है, देखो जो हमारा नॉर्मल अप्रोच था रियल नॉमिनल और पर्सनल, उससे बेटर है अभी हमारा मॉडर्न अप्रोच। इससे क्या होता है, एसेट हमें पता है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होता है, एसेट घट रहा है तो क्रेडिट होता है। जो रेवेन्यू इनकम है, देखो ये रेवेन्यू है, ठीक है, सेल्स जो है रेवेन्यू इनकम होता है, डे टू डे के बेसिस पे होता है, ये सारे डे टू डे के बेसिस पे नहीं होते। तो जो भी हो बैंक टू सेल्स हुआ, अब बैंक तो डेबिट होना चाहिए था, हो चुका है, सेल्स का कोई काम नहीं है, सेल्स को हटाओ, सेल्स अकाउंट डेबिट कर दो 150 और टू फर्नीचर को ले आओ, टू फर्नीचर, फर्नीचर को क्रेडिट कर लो और फर्नीचर चला गया, तो ये हमारा रेक्टिफाइड एंट्री बन चुका है। नेक्स्ट क्या बोला है, रिसिप्ट ऑफ 150 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर, तो पैसा मिला है कैश टू राम मोहन से, बट उस नाम जो है पार्टी का नाम चेंज हो चुका है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन 500, जिसको हम लोगों ने कर दिया है कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर, कैश टू श्याम सुंदर 500। तो श्याम सुंदर तो कोई होना नहीं चाहिए था, मतलब ये पैसा तो श्याम सुंदर से मिला नहीं है, तो श्याम सुंदर को हटाओ और टू कर दो राम मोहन को 500, टू कर दो राम मोहन को। तो ये हो गया हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है,
goods worth 100 bought from Mohan Narayan have remained unrecorded so far. तो रिकॉर्ड ही नहीं किया तो रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा. रिकॉर्ड क्या होना चाहिए? गुड्स हमने लोगों ने लिया है तो गुड्स लिया है तो परचेज होगा. और पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम है मोहन नारायण. टू मोहन नारायण 100 हम लोगों ने एंट्री नहीं किया तो अब एंट्री करना पड़ेगा. परचेज टू मोहन नारायण 100 नेक्स्ट क्या बोला है? देखो रिटर्न हुआ है 120 फ्रॉम मुकेश, यानी सेल्स रिटर्न है पोस्टेड टू हिज डेबिट. तो रिटर्न का एंट्री क्या होता है? रिटर्न का रिटर्न इनवर्ट लिख लो या लिख लो सेल्स रिटर्न. रिटर्न इनवर्ट या सेल्स रिटर्न? तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किसने किया? नाम क्या है? नाम है मुकेश. बट रॉन्ग क्या हो गया है? हम लोगों ने क्या कर दिया है? हम लोगों ने क्या किया? देखो हम लोगों ने ए रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, उसके डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया है. ठीक है, तो सेल्स रिटर्न में कोई गड़बड़ नहीं है, रिटर्न बुक्स में कोई गड़बड़ नहीं है. सेल्स रिटर्न मुकेश को डेबिट कर दिया है. ठीक है, 120. ठीक है, सेल्स रिटर्न जैसा है वैसा ही रहेगा. रेक्टिफाई करना है तो पहले देखो मुकेश डेबिट हुआ है, मुकेश को क्रेडिट कर देते हैं. देखो मुकेश डेबिट हुआ है, मुकेश को क्रेडिट कर देते हैं बिकॉज मुकेश डेबिट नहीं होना चाहिए. अब मुकेश क्रेडिट होना चाहिए तो फिर से टू मुकेश क्रेडिट करेंगे. टू मुकेश क्रेडिट करेंगे 120. फिर डेबिट किसे करें? डेबिट करना पड़ेगा सस्पेंस को. सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हमें ये नहीं पता चल रहा है, जब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि डेबिट किसे करें, देन हमें ये करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन में ये एक बार मान लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस नहीं बना हुआ, ठीक है, हम लोग दो तरह से ही अज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो यू हैव रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंड शो हाउ द ट्रायल बैलेंस कैसे इफेक्ट हो सकता है. तो ट्रायल बैलेंस अगर बना हुआ है तो इफेक्ट कैसे होगा वो बताने बोला है. तो हम लोग इसको ना दो तरह से ही कर सकते हैं. देखो दो तरह से हम लोग चाहे तो कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला है. यहाँ पर नो इफेक्ट ट्रायल बैलेंस. अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे बोला है उसी तरह से मान के ही किया है कि अगर ट्रायल बैलेंस बना हुआ है तभी इफेक्ट दिखाने बोल रहे हैं. देन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो है वो बना हुआ है. तो अगर नहीं बना हुआ होता, एक बार तुम लोग के प्रैक्टिस के लिए बता देते, अगर नहीं बना हुआ होता देन हम लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़ता. स्टेटमेंट जो सस्पेंस है उसकी जगह स्टेटमेंट लिखना पड़ता. सस्पेंस कहाँ है? डेबिट आया है तो हम लोग डेबिट को ट्रायल बैलेंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाई, तो बाई हो जाता बाई मुकेश अकाउंट रॉन्गली पोस्टेड बाई 240 ऐसे लिखते थे तो हो जाता. तो ये तुम लोग अपने प्रैक्टिस के लिए एक बार ऐसे भी करके देख सकते हो. ठीक है, दोनों प्रोसेस से. नेक्स्ट फिफ्थ, रिटर्न ऑफ 92 श्याम सुंदर पोस्टेड एज 9 इन हिज अकाउंट. रिटर्न 2, तो परचेज रिटर्न है, रिटर्न कर दिया है श्याम सुंदर को. 2 रिटर्न, आउटवर्ड बोलते हैं इसे या फिर परचेज रिटर्न बोल दो. हुआ है 90 का, बट हम लोगों ने इसे पोस्ट कर दिया है कितने का? 9 रुपीज का. और कहाँ पर पोस्ट कर दिया है? इसमें हम लोगों ने टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज 9 इन हिज अकाउंट. तो श्याम सुंदर के अकाउंट में हम लोगों ने लिख दिया है 9. टू रिटर्न, टू रिटर्न आउटवर्ड, दैट इज 90. ये ठीक है, बस इसके अकाउंट में गलत कर दिया है. तो सही क्या करें? श्याम सुंदर के अकाउंट में और कितना पैसा देना पड़ेगा? 81 का शॉर्टेज हो रहा है तो श्याम सुंदर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने श्याम सुंदर 81. ठीक है, 2 तो सही है तो 2 सस्पेंस कर देते हैं. 2 सस्पेंस 81, 2 सस्पेंस हो गया 81. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट 6, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस. ठीक है, प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस यानी पर्सनल यूज के लिए डेबिटेड टू रेंट अकाउंट होना चाहिए था. ड्रॉइंग्स टू कैश,
हो गया है रेंट टू कैश, क्या हो गया है रेंट टू कैश। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगा टू रेंट, पहले तो रेंट को हटाओ, टू रेंट ठीक है, और टू कैश तो सही है। ड्राइंग्स को लेके आओ, ड्राइंग्स 600, 600 ठीक है। नेक्स्ट 7, इसमें क्या बोला है, पेमेंट 215 टू मोहम्मद सादिक, मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125, 205 को, सॉरी 215 को 125 कर दिया, पेमेंट किया है। तो एम लिख देते हैं, एम साकीत टू कैश 215 ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उसे कर दिया 125 किसके अकाउंट में किया, क्या दोनों में गलत हुआ है, पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, उसके क्रेडिट में कर दिया ठीक है, तो टू कैश किया, ये इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, फर्स्ट मिस्टेक, और वो भी अमाउंट भी गलत लिख दिया 125। तो कैसे इसे करेक्ट करना चाहिए हम लोगों को, तो करेक्ट करने के लिए देखो, पहला बात है टू कैश सही है, एम साकीत जो है वो हमारा 125 जो है ये रॉन्ग है, ये डेबिट होके रखा है ठीक है, इसे ये डेबिट होकर रखा, ये क्रेडिट हो गया, क्रेडिट टू इस अकाउंट बोला था ना, टू क्रेडिट, हाँ तो ये टू लिखना चाहिए, मुझे टू कर दिया मैंने दोनों, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसे पहले डेबिट करके कैंसिल करो, तो फर्स्ट इसे डेबिट करके कैंसिल करो, तो एम साकीत अकाउंट डेबिट, तो रॉन्ग जो था वो हट गया ठीक है। टू कैश में कोई गड़बड़ नहीं है, एम साकीत को डेबिट करना पड़ेगा, तो फिर से सही करने के लिए एम साकित को डेबिट करना पड़ेगा, तो करते हैं 215, तो फिर टू सस्पेंस बोल के कितना आ जाएगा, दोनों का ऐड करो 340, सस्पेंस बोल के कितना आ जाएगा 340। क्वेश्चन नंबर 8, सेल्स बुक एडेड 900 शॉर्ट, सेल्स बुक में क्या हुआ है, जब हम लोगों ने ऐड किया है तो 900 का शॉर्ट कर दिया, मतलब एडिशन गलत हो गया, तो टू सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, सेल्स तो क्रेडिट आइटम है ना, कितने से 900 से, बट हम लोगों ने उसे नहीं किया है, तो मीन्स टू सेल्स यहाँ पर मेरा ब्लैंक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा टू सेल्स 900, फिर सस्पेंस करना पड़ेगा ठीक है, फिर मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सस्पेंस टेंथ, अच्छा ये 8th नंबर था, ये 9th नंबर में है, द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड, बी आर जो है बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट जो है 1500 से शॉर्ट दिख रहा है, तो ये 1500 हमें लिखना चाहिए था, जो हम लोगों ने लिखा नहीं है, मतलब बीआर का जो डेबिट एंट्री है उसमें 1500 का शॉर्ट दिख रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बीआर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा कितना, 1500 से टू क्या कर देंगे, सस्पेंस टू कर दिया मैंने, सस्पेंस ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर सारा सस्पेंस अकाउंट से ही एंट्री डाल दिया है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इन लोगों ने 1, 2, 3 और 6 को सस्पेंस अकाउंट किया है, तो 1 ये है पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 जो एंट्री में सस्पेंस नहीं हुआ है उसको इन लोगों ने लिया है। अच्छा ये लोग दोनों तरह से मान रहे हैं, तो यहाँ पर क्लियरली तो कुछ लिखा नहीं, बट रिकॉर्ड टू पास द नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री एंड सो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाई द एरर्स, तो यहाँ पर फॉर 4, 5, 6, 7, 8, 9 नो जर्नल एंट्री कैन बी पास्ड एज दे अफेक्ट ए सिंगल अकाउंट, द करेक्शन विल बी एज अंडर, ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस यूज नहीं करते, तो देखो क्योंकि हम लोगों ने सस्पेंस का क्या सीख के रखा है, सस्पेंस कब हम लोग यूज कर सकते हैं, सस्पेंस हम लोग तभी यूज करेंगे जब ये रहा, जब प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो जाएगा ठीक है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाएगा, तो यहाँ पर
ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं हुआ है ऐसा माना जा रहा है, ठीक है? तो ऐसा अगर हम लोग मानेंगे तो कोई बात नहीं, वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, सस्पेंस की जगह लिखेंगे बाई मुकेश अकाउंट पोस्टेड, मैंने बोल के भी रखा है बाई मुकेश है या कुछ, हाँ मुकेश है, ठीक है? तो बाई इसमें लिख सकते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट में, बाई मुकेश अकाउंट रॉन्गली पोस्टेड बाई 4240। तो चलो लिख ही लेते हैं एक बार लिख ही लेते हैं यहाँ पर, इसके बदले क्या हो जाएगा, बाई स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बाई मुकेश अकाउंट रॉन्गली पोस्टेड बाई 240, ये बन गया। और देखते हैं कहाँ हम लोगों ने सस्पेंस यूज किया है, वहां पर लिख लेंगे, यहाँ रहा सस्पेंस, तो यहाँ पर लिख देंगे सुंदर जो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ये टू साइड आया है तो टू टू श्याम सुंदर, ठीक है? श्याम सुंदर अकाउंट रॉन्गली टोटल बाय 81, रॉन्गली टोटल वाला कंसेप्ट था। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला है तो टू, ये टू हो जाएगा, ठीक है? टू मोहम्मद साकित इज रॉन्गली पोस्टेड बाय टू एम साकित is wrongly posted by 340। अच्छा ये भी हमें करना है, ये भी हमें करना है, दोनों के लिए हमें सस्पेंस जो है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा by, ठीक है? यहाँ पर by से स्टेटमेंट होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो टू से होगा, तो by सेल्स बुक अंडर कास्ट by सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई 900 और टू सस्पेंस अकाउंट ये क्या था, बिल्स रिसीवेबल हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, ओमिटेड, ये देखो दिख रहा है ना, रिकॉर्ड नहीं किया था, ओमिटेड बाई 1500, ठीक है? तो अब हमारा कौन कौन सा एंट्री ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, देखो वही हमें देखना है। तो जहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से लिख के रखा है जो कि वन साइडेड एरर है, जैसे कि पॉइंट नंबर 4, 4, 5, 7, 8, 9, देखो 4, 5, 7, 8, 9 ये हमारा ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, 4, 5, 7, 8, 9, देखो यहाँ दिख रहा है 4, 5, 7, 8, 9 ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। ऐसे देखो फोर्थ में क्या हुआ था, फोर्थ में हुआ था कि मुकेश का अकाउंट हम लोगों ने रॉन्गली पोस्ट कर दिया 240 से, तो ट्रायल बैलेंस पे क्या हो जाएगा, देखो ट्रायल बैलेंस क्रेडिटेड शॉर्ट, क्रेडिटेड शॉर्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये देखो किधर हुआ है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है? तो सस्पेंस अकाउंट किधर जा रहा है हम लोगों का, इधर जा रहा है, तो ये सस्पेंस का अगर हम लोग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, इसका अगर हम लोग अकाउंट बनाएंगे तो कैसे पोस्ट होगा, देखो नॉर्मली ट्रायल बैलेंस का क्या होता है, नॉर्मली देखो ये सपोज है ट्रायल बैलेंस, सॉरी ये कैश अकाउंट है, यहाँ पर बैलेंस हमारा आ गया बाई बैलेंस सीडी, ठीक है? तो ट्रायल बैलेंस भी ये किधर जाएगा, ट्रायल बैलेंस भी ये डेबिट साइड जाएगा, ठीक है? वैसे ही सस्पेंस अकाउंट का इसका क्या होगा, इसका किस तरह से हम लोग सोच सकते हैं, देखो बैलेंस कौन सा आया, मतलब सस्पेंस अकाउंट किधर आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, ठीक है? तो डेबिट हो रहा है तो लेजर में पोस्ट किधर हो जाएगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है? क्रेडिट साइड में तो हम लोग लिखते हैं बाई बोल के, ठीक है? क्रेडिट साइड, तो देखो बोल रहा है ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाई 240, तो फिर क्रेडिट साइड। तो फिर रेक्टिफाइड एंट्री अगर हमारा डेबिट साइड हो रहा है तो डेबिट साइड कम दिख रहा होगा, और क्रेडिट साइड हो रहा है तो क्रेडिट साइड कम दिख रहा होगा, देखो रूल्स यही है। फिर देखो यहाँ पर टू है, टू टू यानी कौन सा साइड, टू यानी डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से सोचो कि ये अकाउंट जब बनेगा तो ये टू टू अगर लेजर पोस्ट होता है तो डेबिट साइड होता है, तो डेबिट साइड शॉर्ट बाई हो जाएगा यहाँ पर कितना है 81, देखो डेबिट साइड शॉर्ट बाई 81। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, ये जो है ये भी सेम है, ठीक है? डेबिट साइड शॉर्ट बाई 340, डेबिट साइड शॉर्ट बाई 340। आफ्टर दैट देखो ये क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट साइड शॉर्ट बाई 900, क्रेडिट साइड शॉर्ट बाई 900।
और टू सस्पेंस अकाउंट ऑमिटेड टू है, तो ये टू किधर बैठता है, लेजर के टू लेजर के बैठ जाता है, डेबिट साइड देन डेबिट साइड शॉर्ट बाय 150। तो हम ये लिखवा देते हैं कैसे, तुम लोग को याद रखना है। देखो रेक्टिफाइड एंट्री के ऊपर हमें डिपेंड करेगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे इफेक्टेड होगा। तो देखो रेक्टिफाइड एंट्री फॉर डेबिट साइड देन ट्रायल बैलेंस शॉर्ट बाय डेबिट साइड, और रेक्टिफाइड एंट्री फॉर क्रेडिट साइड देन ट्रायल बैलेंस शॉर्ट बाय क्रेडिट साइड। अभी मैंने वही दिखाया। देखो बस तुम लोग को इस तरह से लिख लेना है, और कौन सा एंट्री हमारा ऐसा है जो कि सिंगल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, उसका हम लोगों ने करेक्शन कर दिया। ये देखो मुकेश अकाउंट विथ 240। देखो मुकेश अकाउंट ये कौन सा वाला था, इस वाला पॉइंट कौन से लगे, 0.4। ठीक है 0.4। तो देखो यहाँ पर हमें जो पूछा था, पहले पूछा था कि बताओ कौन कौन सा एंट्री है जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस को जो इफेक्ट करेगा उसका यहाँ पर देखो ये पूछा इस तरह से था, थोड़ा क्वेश्चन में खो गए थे, फिर देखो ये देखो नहीं समझ में आया क्या पूछा क्या था। देखो यहाँ पर जो है इफेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस में कौन सा इफेक्ट लाएगा वो हमें दिखा दिया है हम लोगों ने, और कौन सा एंट्री है जो सिंगल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। एक्चुअली जो सिंगल अकाउंट को इफेक्ट करेगा वो मैंने बताया भी था, जो सिंगल अकाउंट को इफेक्ट करेगा वही हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, बाकी नो इफेक्ट। ये देखो बाकी में नो इफेक्ट। ठीक है, एक्चुअली इन लोगों ने प्रेजेंटेशन इस तरह से करके रखा है। एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें ये सारा जो एंट्री है 1, 2, 3, 6 ये सारा एंट्री ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये देखो, और बाकी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है पहले वो बताया गया है, देन किस तरह से इफेक्ट कर रहा है वो बताया गया। ठीक है, नाउ इलस्ट्रेशन सेवन में दिया है राइट आउट द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो एक चीज देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है, यहाँ पर जो सॉल्व किया है इसमें हम लोग जो भी एजम्पशन करें क्यों ना, हम लोग सस्पेंस अकाउंट से करें या स्टेटमेंट लिख के करें, ठीक है, उससे हमारे आंसर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग सस्पेंस अकाउंट लिख के करते हैं देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कैसे इफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि ये बाई साइड है, और अगर हम लोग इस तरह से लिख के करते हैं तो भी हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो भी हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक्चुअली क्वेश्चन में हम लोग को ये नहीं बोला है कि स्टेटमेंट लिख के ही कर, ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि ये बताओ कि रेक्टिफाई करने के बाद हमारा जो रेक्टिफिकेशन एंट्री आ रहा है उसको देख के बताओ कि कौन सा ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है, अगर कर रहा भी है तो किस तरह से कर रहा है, बस यही बताना था। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सेवन में क्या बोल के रखा है, देखो गुड्स ऑफ द वैल्यू 100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा वेयर एंटर्ड इन द सेल्स टेबुक एंड पोस्टेड देयर From to the credit office account, तो using a suspense account, ये बोल ही दिया है, clearly बोल दिया है कि हम लोग को suspense accounts जो है वो use करना है, तो ये हो गया correct, wrong, rectified. फर्स्ट गुड्स जो है 100 का रिटर्न कर दिया है, सेल्स रिटर्न हो जाएगा, किसने किया है, मिस्टर शर्मा ने, तो सही एंट्री होना चाहिए सेल्स रिटर्न टू मिस्टर शर्मा, सेल्स रिटर्न टू मिस्टर शर्मा 100 and 100। ठीक है, डेबिट। अब क्या बोला है कि रॉन्ग क्या हो गया है, Entered in the sales day book and posted there, sales day book नहीं होना चाहिए ना, sales return day book होना चाहिए, and posted there from to his credit to his account, और वहां से उसके credit side में post कर दिया गया उनके account में। तो पहला बात है कि यहाँ पर
कर दिया है टू, देखो यहाँ पर क्या कर दिया है, फिर से एक बार पढ़ लो, एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। तो सेल्स डे बुक में क्या होता है, पार्टी टू सेल्स होता है, ठीक है, डेटर टू सेल्स या फिर कस्टमर टू सेल्स, तो टू सेल्स तो एक गलती, ठीक है। और उसके बाद पोस्टेड कर दिया है उनके क्रेडिट साइड में, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, मिस्ड, ये टू हो गया है क्रेडिट साइड ना, तो टू मिस्टर शर्मा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको क्रेडिट किया है, बट सेल्स को क्रेडिट कर दिया, ये सेल नहीं था, ये रिटर्न का केस था। तो सस्पेंस अकाउंट यूज करने बोला है, तो चलो सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट में हमें क्या करना, टू मिस्टर शर्मा सही हुआ, सेल्स का कोई कंसेप्ट नहीं आना चाहिए था, पहले ये रॉन्ग को हटा देते हैं। सेल्स अकाउंट डेबिट क्या कर दिया मैंने, 100। अब सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, टू सेल्स रिटर्न। अब यहाँ कोई नीड नहीं था सस्पेंस अकाउंट का, तो हम लोगों ने यूज नहीं किया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो टू मिस्टर शर्मा, तो टू मिस्टर शर्मा ये तो सही है, सेल्स को मैंने डेबिट कर दिया। अच्छा सेल्स रिटर्न को, अरे सेल्स रिटर्न तो डेबिट होना चाहिए, मैंने क्रेडिट कैसे किया, सॉरी सॉरी, ये देखो सेल्स रिटर्न, ये तो सही एंट्री है ना, सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, डेबिट कर देते हैं 100 से, फिर सस्पेंस आ जाएगा, टू सस्पेंस, तो सस्पेंस आएगा, मैंने वो गलती से लिख दिया। देखो टू मिस्टर शर्मा, टू मिस्टर शर्मा ये तो कुछ नहीं करना है चेंजेस, टू सेल्स को हटा दो बिकॉज ये रॉन्ग है, और करेक्ट को लेके आओ, तो फिर दो डेबिट हो जाएगा, देन एक क्रेडिट के लिए सस्पेंस अकाउंट को हम लोग लेके आओ। एन अमाउंट ऑफ 150 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, पहले सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री को डाल देते हैं, सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, अब किससे हुआ है देख लेते हैं, सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। अच्छा मिस्टर फिलिप ने ही रिटर्न किया है, बट मिस्टर फिलिप ने रिटर्न किया है तो वो पहले तो डेबिट थे, क्रेडिट हो जाएंगे, उनको हम लोगों ने फिर से डेबिट कर दिया है, तो टू मिस्टर फिलिप होना चाहिए था, टू होना चाहिए था मिस्टर फिलिप, मिस्टर फिलिप कितना होना चाहिए था, ये अमाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, बट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सेल्स रिटर्न तो किया है, बट मिस्टर फिलिप को क्रेडिट के बदले डेबिट कर दिया, मिस्टर फिलिप टू सेल्स रिटर्न कर दिया 150, 150, ठीक है 150, 150 मिस्टर फिलिप टू सेल्स रिटर्न। अब इसे कैसे सही करना है, सेल्स रिटर्न पहले देखो रॉन्ग वाला, रॉन्ग से स्टार्ट कर लेते हैं, सेल्स रिटर्न टू नहीं होना चाहिए, सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, तो सेल्स रिटर्न को पहले कैंसिल करो, सेल्स रिटर्न डेबिट कर दो, कैंसिल हो गया। अब सही में सेल्स रिटर्न को लेके आओ, तो सेल्स रिटर्न 150 मिस्टर फिलिप जो डेबिट होके रखा है उनको क्रेडिट करो, टू मिस्टर फिलिप 150। अब उनको सच में क्रेडिट करना है, ये तो रॉन्ग का न्यूट्रल कर दिया गया, ठीक है, मतलब इसे कैंसिल, ये कैंसिल के लिए हुआ, ये इसके लिए हुआ है, ठीक है, टू मिस्टर फिलिप 150, मतलब सेल्स रिटर्न 300 और टू मिस्टर फिलिप 300, इस तरह से एंट्री होना चाहिए। नेक्स्ट थ्री, ए सेल्स ऑफ 200 मेड टू मिस्टर घनश्याम वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधेश्याम एज 20। तो पहले सेल किया है तो सेल का एंट्री बोल रहा है कि सही हुआ है, सेल ऑफ 200 मेड टू मिस्टर घनश्याम वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। तो पहले देखो मिस्टर घनश्याम को सेल करने से एंट्री होता, मिस्टर घनश्याम टू सेल्स, मिस्टर घनश्याम टू सेल्स 200, मिस्टर घनश्याम टू सेल, गलत क्या हो गया, क्या क्या है गड़बड़ी यहाँ पर हुआ है कि करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, मतलब टू सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पोस्टेड कर दिया है, डेबिट तो किया है बट नाम गलत हो गया, पार्टी नाम चेंज हो गया, मिस्टर राधे श्याम हो गया, मिस्टर राधे श्याम टू सेल्स 200। अब कैसे सही करना, पहला बात है मिस्टर राधे श्याम को ये सेल हुआ ही नहीं है तो उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है मिस्टर राधे श्याम को हटा दिया, और
जो मिस्टर घनश्याम है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, उनको हमें डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा शायद अमाउंट भी गलत हो गया था ना, 20 हो गया था, देख ये 20 हो गया था, ठीक है ये 20 हो गया था, याद आ गया। तो मिस्टर राधे श्याम जो है उनको पहले 20 से ही तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। मिस्टर घनश्याम को डेबिट कर देते हैं 200 से, बट शॉर्ट दिख रहा है क्रेडिट साइड कितने से, 180 से, फिर यूज करना पड़ेगा सस्पेंस 180, 180 से सस्पेंस अकाउंट को यूज कर लिया। बैड डेब्ट्स एग्रीगेटिंग 450 पर रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर बट वे नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर। तो सेल्स लेजर में तो एडजस्ट हुआ है बैड डेब्ट, ठीक है, तो बैड डेब्ट राइट ऑफ हो गया है टू डेटर, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, अमाउंट था 450। ये थोड़ा सेल बैलेंसिंग लेजर बोल के एक चैप्टर होता है उसके कंसेप्ट में है। जनरल लेजर और ये सेल्स लेजर क्या होता है, इतना समझो कि सेल्स लेजर में जो है सेल्स रिलेटेड सारे डेटा जो है वो एंट्री होते हैं। तो ये देखो बैड डेट टू डेटर, बट इसको जनरल लेजर जो है उसमें हम लोगों ने एंट्री नहीं किया है। तो देखो जनरल लेजर में हम लोगों ने बट वे आर नॉट एंटर्ड इन द जनरल लेजर, तो जनरल लेजर में बैड डेट नहीं दिखा है, तो टू डेटर तो हुआ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैड डेट को हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट 450, टू डेटर सही है, तो टू क्या लिखेंगे सस्पेंस 450, फिफ्थ द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर अमाउंटिंग 250 वाज नॉट पोस्टेड, पोस्ट नहीं हुआ तो पोस्ट करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट होता है, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था इतने से। डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर अमाउंटिंग टू 250 डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस क्रेडिट चाहिए, तो यहाँ पर 250 और 250 बस, और तो कुछ नहीं बोला था इसमें। अच्छा अगर फाइनल अकाउंट्स बन जाता है उसके बाद अगर हम लोग इसे करेक्ट करेंगे देन क्या होगा, उसी कंसेप्ट में था हमारा इलास्ट्रेशन एक जो कि मैंने तुम लोग को बोला था कि उसे मत करो, ठीक है उसे मत करो क्योंकि मैंने वो पीएल एडजस्टमेंट वाला बात अभी तक नहीं समझाया था। यहाँ पर दिया हुआ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिस्कस सो फार एज्यूम दैट इट वाज कैरिड आउट बिफोर द बुक्स वेयर क्लोज्ड फॉर द कंसर्न ईयर, हाउएवर समटाइम्स द रेक्टिफिकेशन इज कैरिड आउट इन द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर लेके जा रहे, कैरी फॉरवर्डेड द बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट फॉर इवन ट्रांसफरिंग इट टू द कैपिटल अकाउंट। सपोज मतलब सस्पेंस अकाउंट यूज करके ही हम लोगों ने अकाउंट्स को जो है क्लोज कर दिया। सपोज द परचेज बुक वाज कास्ट शॉर्ट बाय 1000 इन दिसंबर एंड द सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन विद डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, इफ द एरर इज रेक्टिफाइड नेक्स्ट ईयर द एंट्री पास टू द डेबिट परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट, इट विल मीन दैट परचेज अकाउंट फॉर 2016 वेयर विल बी 1000 मोर देन द अमाउंट रिलेटिंग टू 2016 एंड दस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2016 विल बी लेस देन द एक्चुअल फॉर दैट ईयर। लेकिन अगर इसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते हैं कोई भी एरर को इतना समझो, तो फिर हमारा जो है प्रॉफिट जो है सारा गलत दिखेगा, हम लोग अगर रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो प्रॉफिट वगैरह गलत दिखेगा। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा प्रायर पीरियड आइटम है टू अवॉइड दिस करेक्शन ऑफ ऑल अमाउंट्स कंसर्निंग नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट वाला जो है उसे हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे, जैसे एक्सपेंसेस इनकम शुड बी थ्रू ए स्पेशल अकाउंट स्टाइल्ड एज प्रायर पीरियड आइटम और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या तो पीएल एडजस्टमेंट लैंग्वेज यूज करो या प्रायर पीरियड आइटम ये वाला लैंग्वेज यूज करो, तो बैलेंस इन द अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से होता है, इसे एक एक बार एग्जाम्पल की तरह मान लो और देखो कैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं।
इलास्ट्रेशन 8, ठीक है, तो करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइड. अच्छा तो देखो, परचेस ऑफ ए स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वीनियंस अकाउंट, ठीक है, तो परचेस किया स्कूटर, तो स्कूटर परचेस करने पे क्या एंट्री होता है, स्कूटर अकाउंट लिख सकते हैं, एसेट है, टू कैश या बैंक लिख लो, बट उसे हम लोगों ने क्या दिखा दिया है, बट उसे हम लोगों ने दिखा दिया है कन्वीनियंस अकाउंट में चार्ज कर दिया है, तो कन्वीनियंस, हाँ कन्वीनियंस अकाउंट में चार्ज कर दिया, तो कन्वीनियंस अकाउंट डेबिट टू कर दिया है कैश या फिर बैंक, जो लिख रहे हैं एक ही चीज लिखना चाहिए ताकि हम लोग सिमिलैरिटीज ला पाए. अब देखो क्या हो रहा है, स्कूटर डेबिट होना चाहिए, जो हुआ नहीं तो स्कूटर को डेबिट कर देते हैं, और ये कन्वीनियंस नहीं आना चाहिए था, ठीक है, इससे हटा देते हैं. 3000, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है कि फाइनल अकाउंट हमारा बन चुका है. देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि राइट ऑफ करना है डिफरेंस को पीएल अकाउंट में, ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर बन चुका है, एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर. नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स, मतलब मिस्टेक के साथ ही फाइनल अकाउंट्स बना चुका था, अब इसे सही करना है. तो किस तरह से करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है, ठीक है, जैसे नॉमिनल अकाउंट्स में क्या क्या आते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, गेन एंड इनकम, ऑल नॉमिनल अकाउंट्स को, ये देखो जैसे यहाँ पर ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ये तो परचेज हुआ है ना, ये स्कूटर है, ये स्कूटर परचेज हुआ है, दिस इज फिक्स्ड एसेट दैट इज रियल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट को हम लोग को पी एल में एडजस्ट करना पड़ेगा. और इसका कंसेप्ट भी बताते हैं वाई हम लोग इसे एडजस्ट कर रहे हैं. तो एक्चुअली इसका एंट्री हमें करना क्या है, रेक्टिफाइड एंट्री ये नहीं होगा, रेक्टिफाइड एंट्री ये हो जाएगा, रेक्टिफाइड एंट्री ये हो जाएगा टू PL adjustment, ठीक है, टू PL adjustment, टू PL adjustment कर देंगे. इससे क्या होगा, फाइनल अकाउंट तो पूरा बन चुका है, मीन्स ट्रेडिंग बन चुका है, PL बन चुका है, बैलेंस शीट बन चुका है, लेकिन गलत शो कर रहा है बिकॉज हम लोग गलत से कर चुके हैं. तो PL को किस तरह से रेक्टिफाई करें, हमें देखना है कि हमारा PL किस लिए ज्यादा, मतलब प्रॉफिट क्यों ज्यादा दिख रहा है, प्रॉफिट क्यों कम दिख रहा है. जैसे हम लोग अगर स्कूटर खरीद रहे हैं, उसे अगर हम लोगों ने पीएल में चार्ज कर दिया, कन्वीनियंस क्या होता है, पीएल में चार्ज होता है, तो पीएल में चार्ज कर दिया तो हमारा खर्चा क्या हो गया, खर्चा हमारा जो है वो कम दिख रहा है, सॉरी खर्चा बोल रहे हैं, हमारा जो प्रॉफिट है ना, मतलब यहाँ पर टू कन्वीनियंस कर दिया है हम लोगों ने 3000, ये मिस्टेक है बिकॉज ये यहाँ पर होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये कन्वीनियंस का खर्चा ही नहीं है. तो जो हमारा नेट प्रॉफिट आया था ना बैलेंस करने के बाद, यहाँ पर सपोज बाई जीपी आया हुआ था, यहाँ पर कुछ और भी खर्चा मान लो है, और यहाँ पर प्रॉफिट आ गया है सपोज 2000, लेकिन ये गलत है. अगर ये हट जाएगा तो ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये 5000 से क्या हो जाएगा, मतलब टोटल 5000 हो जाएगा इसमें, और 3000 से इंक्रीमेंट आ जाएगा. तो देखो जैसे ही हम लोग अपना ये जो नॉमिनल अकाउंट है उसे पीएल से एडजस्ट कर देंगे, और ऐसे हमारा प्रॉफिट जो गलत आया था वो प्रॉफिट जो है वो सही आने लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, रूल्स क्या है, रूल्स मैंने बता दिया, रूल्स जस्ट इतना ही है कि हमें नॉमिनल अकाउंट को पीएल से एडजस्ट करना है. तो आवर फाइनल आंसर दिस इज, ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर. हम क्या करेंगे ना, सारे येलो से फाइनल आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, पहले जो भी करना है करके ये फाइनल आंसर को इस कलर से लिख रहे हैं, तुम लोग समझ जाओगे क्या करना है हम लोग को. परचेस अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाई 10,000, परचेस अकाउंट जो है वो ओवरकास्ट हो गया है बाई 10,000, तो परचेस ज्यादा दिखा दिया हम लोगों ने, यहाँ पर तो सही है, ठीक है, रॉन्ग क्या हुआ है, परचेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कुछ नहीं किया, मतलब सही अगर देखो तो परचेस कुछ भी नहीं होना चाहिए था जहां पर हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा कर दिया. तो पहले इसे अगर हम लोग सही करके लिखते हैं, पहले अगर हम लोग इसे नॉर्मल जो प्रोसेस था हमारा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तो क्या करना चाहिए था हमें, टू परचेस
और यहाँ पर क्या डालना चाहिए था, सस्पेंस को, सस्पेंस टू परचेज, ठीक है, सस्पेंस टू परचेज। तो इसे कैसे ठीक करें, अब परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्चुअली हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, ये हो गया हमारा फाइनल अकाउंट, ठीक है। परचेज ज्यादा दिखा दिया है तो प्रॉफिट कम हो गया, टू पीएल एडजस्टमेंट हुआ तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। रिसीप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द अमाउंट अकाउंट ऑफ मिस्टर बी, लिया है मिस्टर ए से पैसा तो क्या होता है, कैश टू ये फोर्थ नंबर है, एक क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, ये छूट गया, एक क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी एंटर्ड एज सेल, परचेस किया तो परचेस टू मिस्टर पी क्रेडिट परचेस है ना, परचेस टू मिस्टर सॉरी मिस्टर पी दैट इज 2000 एंड 2000 होना चाहिए, बट हम लोगों ने क्या कर दिया, उनके अकाउंट में से डेबिट कर दिया, एंटर्ड एज सेल कर दिया तो डेबिट कर दिया, पी टू सेल्स। तो रेक्टिफाई क्या होगा, रेक्टिफाई जब हम लोग करेंगे तो एंट्री होना चाहिए, रेक्टिफाई का एंट्री होना चाहिए, थोड़ा नीचे होने से बेटर होता, ओके तो रेक्टिफाइड एंट्री हमारा होना चाहिए। देखो पी को हम लोगों ने डेबिट किया है तो पी को पहले क्रेडिट करके कैंसिल कर दो, और सच में पी को क्रेडिट करना है तो फिर पी को फिर से क्रेडिट करो, तो पी अकाउंट 2000 एंड 2000 क्रेडिट, डेबिट क्या हो जाएगा, सेल्स को डेबिट करो कैंसिल, सेल्स को डेबिट कर दो कैंसिल, और परचेज को डेबिट कर दो क्योंकि परचेज डेबिट होना चाहिए 2000 हम तो और रेक्टिफिकेशन का काम बढ़ा रहे हैं, अच्छा देखो 2000 ठीक है, तो परचेज डेबिट सेल्स डेबिट टू पी। अब इसे अगर हम लोग ओवरऑल लिखेंगे देन ये क्या हो जाएगा, परचेज नॉमिनल अकाउंट ढूंढना है, परचेज की जगह क्या लिखना है, पीएल एडजस्टमेंट, तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2000, ये नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स भी नॉमिनल अकाउंट है, तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2000, मतलब एक साथ अगर लिखना चाहें हम लोग मतलब लिख ही सकते हैं, ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएल एडजस्टमेंट 4000 लिखोगे तो भी करेक्ट है, टू मिस्टर पी, इसे एक ही साथ लिखते थे 2000, यहाँ पर अभी तक मैंने 1000 ही दिया, 4000 ठीक है। तो ये हो गया पीएल एडजस्टमेंट टू मिस्टर पी, क्योंकि हम लोगों ने परचेस किया था उनको सेल्स दिखा दिया तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, मैंने किसी से परचेस किया उसको सेल दिखाया तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, प्रॉफिट को कम करना है डेबिट करना पड़ेगा, देखो डेबिट आ चुका है, तो ये फाइनल आंसर हो रहा है हमारा, ठीक है जो पीएल एडजस्टमेंट से हम लोग लिख रहे हैं। नेक्स्ट हो रहा है मिस्टर ए से कैश मिला था जिसे हम लोगों ने मिस्टर बी के अकाउंट में लिख दिया है, तो मिस्टर ए से जो कैश मिला था, कुछ पॉइंट नंबर लिख लेते हैं, फोर, मिस्टर ए से कैश मिला था तो कैश टू मिस्टर ए करेक्ट एंट्री, कैश टू मिस्टर ए अमाउंट है 1000, बट गलत क्या कर दिया है हम लोगों ने, रिसिप्ट फ्रॉम कैश वो पोस्टेड कर दिया मिस्टर बी को, तो कैश टू बी कर दिया है, ठीक है तो करेक्ट करना है, करेक्ट करना है कैसे करें, रेक्टिफाइड एंट्री, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगा, देखो कैश तो डेबिट हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टर ए को मिस्टर बी को हटाना पड़ेगा बिकॉज मिस्टर बी को हम लोगों ने जो क्रेडिट करके रखा है एक्चुअली उनसे थोड़ी लिया है, टू मिस्टर ए करना पड़ेगा, टू मिस्टर ए कितना हो जाएगा 1000। अब ये दोनों पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हमें करना है, ठीक है यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट का कोई भी कंसेप्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, मिस्टर सी से कैश लिया है तो पहले एंट्री लिख लेते हैं, कैश टू मिस्टर सी होना चाहिए सही वाला एंट्री, कैश टू मिस्टर सी से पैसा लिया है 500 का लिया है और गलती क्या कर दिया है, पोस्टेड टू द
डेबिट साइड ऑफ इस अकाउंट, तो उनको डेबिट कर दिया है, तो कैश में कोई गलती नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट ये कर दिया, मिस्टर सी को भी ऊपर से डेबिट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मिस्टर सी को हम लोग कैंसिल करेंगे, तो पहले मिस्टर सी अकाउंट क्या करते हैं डेबिट, पहले अच्छा कैंसिल करेंगे तो टू मिस्टर सी होना चाहिए, ये लिख लेते हैं टू मिस्टर सी लिख लेते हैं, कैंसिल कर दिया 500, लेकिन मिस्टर सी को तो डेबिट भी करना पड़ेगा, मिस्टर सी को क्या करना पड़ेगा, डेबिट भी करना पड़ेगा, एक मिनट ये देखो यहाँ पर टू होगा ना, ये मैंने मिस्टर सी को क्या करके रखा डेबिट, तो उनको कैंसिल कर दिया टू मिस्टर सी, फिर टू मिस्टर सी आएगा, ठीक है एक काम करते हैं, फिर से देखो, फिर से थोड़ा सा गलती हो जा रहा है, हम लोग कोई भी एक पॉइंट लेके चलेंगे ना, अगर पहले गलत किया मिस्टर सी को डेबिट किया है तो ये डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो टू मिस्टर सी को क्रेडिट कर देते हैं, सही में टू मिस्टर सी को क्रेडिट करना है, तो चलो फिर से टू मिस्टर सी को क्रेडिट कर देते, एक बार गलती सुधारा एक बार सही किया, अब इसे क्या लिखेंगे, सस्पेंस कितना 1000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 1000, अब मिस्टर सी तो हमारा क्या अकाउंट है, मिस्टर सी हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, डेटर हो जा रहा है ना तो फिर ये यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट हमारा नहीं होगा विथ पीएल एडजस्टमेंट, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर, सेल किया है फॉर 2000, वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो मिस्टर आर टू सेल्स होना चाहिए था, ठीक है, क्या फिर से कुछ छूट गया, ओहो सिक्स्थ नंबर तो ये वाला नहीं है, बार बार मिस्टेक क्यों हो जा रहा है, सिक्स्थ नंबर देखो 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, 500 ड्यू था मतलब मिस्टर क्यू से मिलने वाला था, ठीक है तो मिस्टर क्यू से मिलने वाला था, तो मिस्टर क्यू को हम लोगों ने डेबिट करके रखा होगा, डेटर या फिर कस्टमर, ठीक है अब हुआ क्या, हम लोगों ने उसे ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया, क्या किया हम लोगों ने, मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में हम लोगों ने नहीं दिखाया है, तो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया, यहाँ पर एंट्री से कोई यहाँ पर तो रॉन्ग कुछ भी नहीं हुआ, वो ट्रायल बैलेंस में हम लोगों ने शो नहीं किया, यानी ब्लैंक है, ठीक है रॉन्ग क्या हुआ है, ब्लैंक है यहाँ पर, तो अब हम लोग को ट्रायल बैलेंस में से लाना है, तो मिस्टर क्यू टू क्या कर देंगे, सस्पेंस, इसे सही करने के लिए मिस्टर क्यू टू सस्पेंस 500 या फिर डेटर टू सस्पेंस, अब मिस्टर क्यू क्योंकि हमारा ये रियल अकाउंट है, सॉरी पर्सनल अकाउंट है, तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, अच्छा नेक्स्ट देखो सेवेंथ नंबर में सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर, जो हम लोग कर रहे थे मिस्टर आर को सेल किया, तो मिस्टर आर टू सेल्स फर्स्ट हमें ये कर देना चाहिए, अमाउंट है मिस्टर आर से जो सेल के 2000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है तो रिकॉर्ड कर लो मिस्टर आर टू सेल्स, अब यहाँ पर जैसे ही टू सेल्स आया दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो मिस्टर आर टू PL adjustment, rectify means यहाँ पर PL adjustment देना पड़ेगा, because ये after preparation of trial balance है, ठीक है sorry after preparation of final accounts है, amount of 2395 of purchase was wrongly posted to 2593, तो purchase किया है, तो purchase जो है debit होना चाहिए 2395 से, हो क्या गया है 2593, क्रेडिट में कुछ गड़बड़ नहीं बोला है, परचेस डेबिट हो गया है 2593, तो ज्यादा हो गया है तो परचेस को कम करना पड़ेगा, तो टू परचेस लिखेंगे, टू परचेस सस्पेंस करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और अमाउंट को माइनस करने से आ रहा है 198, बट हम लोग परचेज यूज नहीं कर सकते बिकॉज फाइनल अकाउंट्स बन चुका है, तो हो जाएगा सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 198, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, एंड लास्ट देखो एट्थ नंबर में क्या बोला है,
एट नंबर ये तो हो चुका. अच्छा मिस्टर रॉय यूज्ड या नंबर नहीं या कुछ और बोल. मिस्टर रॉय जिनका ये हम लोग बना रहे हैं उन्होंने एक स्कूटर परचेस किया था. व्हीकल इनके पास जो है, इन लोगों ने एक स्कूटर परचेस किया था, उस पर डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा. तो इन लोगों इन्होंने तो पहले बात ये है कि स्कूटर को जो एंट्री किया था उसको तो कन्वीनियंस इनके अकाउंटेंट ने कन्वीनियंस कर दिया था, तो अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. एसेट है तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना पड़ेगा. व्हीकल जो है मतलब ब्रैकेट में लिख के स्कूटर कितने का था. स्कूटर हमारा 3000, इस पे कितना होगा 10%, तो 300. लेकिन इसका तो कोई एंट्री हुआ नहीं होगा, इसका तो कोई एंट्री हुआ नहीं होगा बिकॉज हम लोगों ने इसे तो फिक्स्ड एसेट काउंट ही नहीं किया. ठीक है, फिक्स्ड एसेट काउंट ही नहीं किया तो इसका तो एंट्री हुआ नहीं होगा. देन हमें क्या करना है, एंट्री कर देना है. देन एंट्री हमारा हो जाना चाहिए डेप्रिसिएशन टू व्हीकल. तो इसमें फाइनल अकाउंट्स बन चुका है. देन हम लोग यहाँ पर क्या रिप्लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंस होता है, तो पीएल एडजस्टमेंट टू व्हीकल 300 एंड 300. नाउ करने क्या बोला है, रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर, रोट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन पीएल एडजस्टमेंट कर लिया. नेक्स्ट ईयर अपॉइंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट टू एग्जामिन द ओल्ड बुक्स फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स. अच्छा अब हम लोग क्या करें, मिस्टेक को देखो, मिस्टेक में क्या क्या हुआ. हम लोग पीएल एडजस्टमेंट देख लेते हैं, हमारा प्रॉफिट जो है वो किस तरह से कम रहा है बढ़ रहा है. देखो एक बार कंसेप्ट के साथ समझ लेते हैं. तो पहले देखो हमारा फर्स्ट जो है स्कूटर की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया था. हम लोगों ने स्कूटर को जो है पीएल में वो खर्चा दिखा दिया, बट ये तो फिक्स्ड एसेट है तो 22 स्कूटर हो जाएगा. दूसरा हम लोगों ने परचेस किया था और परचेस डेबिट नहीं होना चाहिए था, परचेस डेबिट कर दिया था गलती से, तो फिर प्रॉफिट कम हो गया था. तो 22 क्या हो जाएगा, 22 सस्पेंस हो जाएगा. ठीक है, मैंने बोला ना ये हमारा आंसर है, इस कलर से मैंने लिखा. यहाँ पर मैंने परचेस टू मिस्टर पी करना चाहिए था, परचेस के हमको सेल्स दिखा दिया तो प्रॉफिट झूठ मूठ का बढ़ चुका है, प्रॉफिट को कम करना है तो ये सारा एंट्री हमें दिखाना पड़ेगा. ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट वाला ये रहा पीएल एडजस्टमेंट. मिस्टर आर को हम लोगों ने सेल्स किया, उसका एंट्री नहीं किया, प्रॉफिट कम दिख रहा है, प्रॉफिट को बढ़ाओ. परचेस जो है हम लोगों ने कम दिखा दिया है, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है. ठीक है, परचेस को हम लोगों ने सॉरी ज्यादा दिखा दिया है, 2593 ना ज्यादा दिखा दिया. तो चलो इसका पोस्टिंग कर लेते हैं. तो पोस्टिंग किस तरह से कर पाएंगे, और यहाँ पर भी एक है डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया तो प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा है. तो एक बार तुम लोग अपना एंट्री देखते जाओ, हो रहा है 22 स्कूटर, फर्स्ट वाला पोस्टिंग होगा 22 स्कूटर. दूसरा है 22 सस्पेंस, देखा मैंने तो 22 सस्पेंस, एक बार चेक कर लेते, 22 स्कूटर 22 सस्पेंस, और ये हो जाएगा 2 मिस्टर पी 4000, 2 मिस्टर पी 4000 बाई मिस्टर आर 2000. तो 22 मिस्टर आर 2000 और 2 मिस्टर पी 4000, सॉरी 2 मिस्टर पी 4000 हो गया. अच्छा यहाँ पर मिस्टर पी 2 मिस्टर ये देख लेते हैं, 2 मिस्टर पी 4000 सही लिखा है बाई मिस्टर आर. अच्छा यहाँ पर हो जाए 22 सस्पेंस 198, 22 सस्पेंस 198. और ये लास्ट वाला ना वही पीएल एडजस्टमेंट टू व्हीकल, तो टू व्हीकल 300 टू. अच्छा यहाँ पर देख लो टोटल कितना होता है, 10,000 3,000 15,198, 15,198 माइनस ये हो गया 4,300, तो बैलेंस आ रहा है 10,898. इसे क्या लिखना चाहिए, इस बैलेंस को क्या लिखेंगे, तो
क्योंकि हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं तो वो गलत प्रॉफिट को कैपिटल में भी एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट बन गया तो प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, देखो जीपी जीपी चला जा रहा है पीएल में, तो वो पीएल के साथ एडजस्ट होके नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट चला जा रहा है कैपिटल में तो वो कैपिटल में ऐड हो चुका है, उसी के हिसाब से बैलेंस शीट भी शो कर रहा है। अब अगर रेक्टिफाई कहीं करना ही है तो कैपिटल को रेक्टिफाई करना है, और कैपिटल तो टू जो ओनर है उसका नाम से हम लोग लिख सकते हैं, टू रॉयस कैपिटल, रॉयस कैपिटल में ये टू साइड में आ रहा है, ठीक है, तो टू हो जाएगा, बाई साइड में आएगा तो बाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया टू रॉयस कैपिटल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सस्पेंस अकाउंट एक बार ओपन करते हैं, देखो क्या होता है, इसका कंसेप्ट आई होप तुम लोग समझ गए कि क्या हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट तो हमारा ओनर के इसमें ऐड होके रखा है ना, तो प्रॉफिट को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी कम या ज्यादा होगा वो ओनर को देना पड़ेगा। सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट में यहाँ से कुछ क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं, यहीं से हो जाएगा, ये देखो सस्पेंस का ये क्रॉस पोस्टिंग डाल देते टू पीएल एडजस्टमेंट 10,000, टू पीएल एडजस्टमेंट 198, अच्छा 198 और 10,000, और देखते हैं ऐसा कोई अकाउंट भी तो हो सकता है सस्पेंस जो विदाउट नॉमिनल एंट्री के हुआ है, तो ये सब तो नहीं है, यहाँ देखते हैं ये रहा सस्पेंस टू मिस्टर सी, ठीक है, सस्पेंस टू मिस्टर सी, तो इसमें ये वाला भी एक होगा, ये वाला भी होगा ना, ये देखो ये वाला जो था इसमें क्या हुआ था, मिस्टर बी टू मिस्टर ए, इससे कोई लेना देना नहीं, सस्पेंस तो टू मिस्टर सी 1,000 होगा, बाय मिस्टर क्यू 500 होगा, टू मिस्टर सी और बाय मिस्टर क्यू, टू मिस्टर सी और बाई मिस्टर क्यू, टू मिस्टर सी 1,000 था शायद, टू मिस्टर सी 1,000 था, हाँ, और बाई मिस्टर क्यू था 500, बाई मिस्टर क्यू था 500। अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 10,000, 10,000, 11,198, तो इधर भी आ रहा है 11,198, बैलेंस कितना आएगा 11,198 माइनस 500, तो ये आ गया 10,698, तो ये हो जाएगा बाई रॉयस कैपिटल, ठीक है, बाई रॉयस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस वगैरह बन गया तो डिफरेंस ट्रायल बैलेंस के साथ तो यहाँ पर कोई लिंक नहीं है, तो बाई रॉयस कैपिटल अकाउंट, तो रॉयस कैपिटल अकाउंट का ये एंट्री अब हम लोग पास कर सकते हैं, एंट्री क्या पास करेंगे, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं रॉयस कैपिटल अकाउंट एक बार टू हुआ है, देखो इसका हम लोग क्या जिस्ट क्या आ रहा है, टू हुआ है रॉयस कैपिटल कितने से 10,898, और रॉयस कैपिटल अकाउंट एक बार क्या हुआ है बाई भी हुआ है, बाई ये क्या हुआ है रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस हुआ है, तो रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, दोनों एक बार रीड करो, पहले पीएल एडजस्टमेंट टू रॉयस कैपिटल, तो हम लोग लिखे पीएल एडजस्टमेंट टू रॉयस कैपिटल, एक बार लिखते हैं पीएल एडजस्टमेंट टू रॉयस कैपिटल, जो कि आ रहा है 10,898, और एक आ रहा है सस्पेंस रॉयस कैपिटल टू आ रहा है सस्पेंस, तो एक बार दोनों को लिख लेते हैं, पहले देखो समझने में आसानी हो, रॉयस कैपिटल ये तो 10,898, और रॉयस कैपिटल टू सस्पेंस जो हो रहा है उसका अमाउंट आ रहा है, देखो रॉयस कैपिटल टू सस्पेंस 10,698, 10,698, अब दोनों को कंबाइन करो तो पीएल एडजस्टमेंट 10,898 टू सस्पेंस, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो 10,698, अब रॉयस कैपिटल डेबिट कितना है, रॉयस कैपिटल डेबिट है
10,698 क्रेडिट कितना है 10,898 तो अल्टीमेटली रॉयस कैपिटल क्या हो जाएगा क्रेडिट ही हो रहा है ये डेबिट अमाउंट है ये क्रेडिट अमाउंट है तो क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है कितना दोनों का माइनस करके देख लो 200 आ रहा है ठीक है 200 आ रहा है तो ओवरऑल एंट्री हमारा क्या हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस टू रॉयस कैपिटल ठीक है तो देखो यहाँ पर एंट्री के बाद पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट ये प्रायर पीरियड ठीक है प्रायर पीरियड आइटम्स को एडजस्ट कर दिए और रॉयस कैपिटल में इतना अकाउंट हमें ट्रांसफर कर देना है और सस्पेंस अकाउंट जब क्रिएट हुआ तो एंट्री में कितना आ रहा है टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितना आ गया फिर 198 अगर फिर से हम लोग ये सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे ना देखो इन लोगों ने लास्ट में क्या किया सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है और सस्पेंस अकाउंट में लिखा है टू पीएल एडजस्टमेंट 10,000 सस्पेंस अकाउंट में लिखा है टू पीएल एडजस्टमेंट 10,000 टू सी 1,000 ये देखो टू सी 1,000 देन बाय ट्रेड रिसीवेबल यानी क्यू मैंने क्यू से डिनोट किया है मैंने क्यू से लिखा है ठीक है मैंने क्यू से लिखा है 500 देखो 500 बाय रॉयस कैपिटल 10,698 तो टू पीएल एडजस्टमेंट कितना आ रहा है टू पीएल अच्छा ये दोनों जो है ये रॉयस कैपिटल ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था सॉरी ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था तो इन लोगों ने उसके बाद और इससे कुछ दिखाया नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पर तुम लोग को दिखाया कि एक्चुअली इफेक्ट क्या हो रहा है तो नेट इफेक्ट ये हो रहा है अगर दोनों एंट्री को देखो तो पीएल एडजस्टमेंट डेबिट हो जाएगा इतने से रॉयस कैपिटल 200 और टू सस्पेंस अकाउंट हमारा हो जाएगा 10,698 ठीक है तो ये मेरा लास्ट जो पार्ट हम लोग का जो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ये बाकी था तो ये हम लोगों ने कर लिया अब तुम लोग क्या कर सकते हो तुम लोग यहाँ से जो भी एमसीक्यूज है कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है चाहो तो यहाँ से देख सकते हो ठीक है